अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड आई एम योर साइंस टीचर मिस मिसबा। टुडे द डेट इज़ 22 जुलाई 2020 एंड डे इज़ वेडनेसडे। दिस इज़ अवर थर्ड डे ऑफ दिस वीक। स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर यूनिट नंबर 6 पार्टिकल्स। टुडेज़ डायरी इज़ ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड MCQs एंड कॉलम ऑफ यूनिट नंबर 6। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कम्प्लीट वर्कशीट, सो यू हैव टू लर्न इट एंड राइट इट ऑन योर नेट कॉपीज एज वेल। स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट रीडिंग अवर वर्कशीट ऑफ अवर यूनिट नंबर 6 पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। नंबर 1 पे है द लिक्विड हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग सिलेंडर्स। स्टूडेंट, जो लिक्विड होती हैं, जो माया चीज़ें होती हैं, उनका हुजम हम मालूम कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसे हम सिलेंडर कहते हैं उसकी मदद से। सिलेंडर के ऊपर कुछ नंबरिंग गिवन होती है जिससे हमें उस लिक्विड का वॉल्यूम मालूम हो सकता है कि ये कितनी तादाद में है। नंबर 2 पे है हीटिंग अ मटेरियल अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी मटेरियल को गर्म करेंगे तो उसके पार्टिकल्स, उसके अंदर मौजूद जो एटम्स हैं, उनमें मूवमेंट होगी। जैसा कि आप वाटर अगर गर्म करें तो उनमें भी मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। नंबर 3 पे है अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। हमें पता है कि जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, जैसे कि वुड, जैसे ग्लास, चेयर, टेबल, इन सब का फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होती है। नंबर 4 पे है गैसेस कैन बी स्क्वैश्ड एंड कंप्रेस्ड इजीली। स्टूडेंट, जो गैसेस होती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो होता है वो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको इजीली कंप्रेस यानी कि दबा सकते हैं। नंबर 5 पे है वन सब्सटेंस स्प्रेडिंग थ्रू अनदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। स्टूडेंट, ये हमने अपने की टर्म में भी पढ़ा था कि एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो तो उसे डिफ्यूजन का अमल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1 पे है ऑल सब्सटेंसेस एक्सपेंड व्हेन दे हीटेड। यस, दिस इज ट्रू। जब हम किसी भी सब्सटेंस, किसी भी माया को, मादा को हीट अप करेंगे तो वो फैलेगी, एक्सपेंड करेगी, ठीक है। नंबर 2 पे है स्मॉलेस्ट पार्टिकल आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। दिस इज फॉल्स बिकॉज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। नंबर 3 पे है सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट फिजिकल स्टेट। दिस इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज सब्सटेंसेस जो मादे होते हैं वो उनकी 4 नहीं 3 फिजिकल स्टेट हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। नंबर 4 पे है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। यस, दिस इज ट्रू। प्रेशर मेजर करने के लिए जो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। नंबर 5 पे है गैसेस डू नॉट हैव वेल डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम, सो दिस इज आल्सो ट्रू। गैसेस की ना कोई शेप होती है और ना वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है हमारे MCQs। MCQs नंबर 1 इज विच ऑफ दीज इज एन अमॉर्फस सॉलिड। वो कौन सा इसमें से चीज़ है जो कि अमॉर्फस सॉलिड है, उसे प्लास्टिक। नंबर A पे है प्लास्टिक, नंबर B पे है वुड, C आइस या D आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर A प्लास्टिक। नंबर 2 है एटम ज्वाइन टू गिव अ डैश मॉलिक्यूल लिक्विड सब्सटेंस या शेप, सो इट्स करेक्ट आंसर इज मॉलिक्यूल। एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। नंबर 3 है सॉलिड लिक्विड एंड गैस डैश व्हेन हीटेड। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज एक्सपेंड करते हैं जब हीट किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A। नंबर 4 पे है द स्प्रेड ऑफ सेंट ऑफ परफ्यूम इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड एग्रीटेशन डिफ्यूजन इवेपोरेशन या डिस्पर्सल, सो इट्स करेक्ट आंसर इज नंबर C। कमरे में परफ्यूम का फैल जाना डिफ्यूजन कहलाता है। नंबर 5 है एटम एंड मॉलिक्यूल लूज एनर्जी व्हेन हीटेड। नंबर A हीटेड, नंबर C एस्केप्ड कूल्ड या फिर रिलीज, सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C कूल्ड। जब एटम एंड मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ख़त्म हो जाती है जब इनको ठंडा किया जाता है। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कॉलम। सो लेट स्टार्ट रीडिंग अवर कॉलम। कॉलम A में जो चीज़ें गिवन है वो है गैस लिक्विड सॉलिड मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। अब हमने इसको मैच करना है कॉलम B के साथ। सो गैसेस वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कैन बी कंप्रेस्ड किया जा सकता है। लिक्विड को हम मैच करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम से, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। सॉलिड को हम मैच करेंगे वेल डिफाइंड शेप। सॉलिड की शेप जो होती है वो वेल डिफाइंड होती है, यानी कि हम इजीली पता चला सकते हैं कि ये सॉलिड जो है ये क्या है।
है कि अगर ये टेबल है या चेयर है हम इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स को हम मैच करेंगे ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और लास्ट पे है एटम, एटम्स आर द टाइनी पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स दिस वर्कशीट इज़ सो सिंपल एंड ईजी, यू हैव टू लर्न इट एंड राइट इट ऑन योर नीट कॉपीज एज वेल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।